तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी को तीज की मेहंदी लग चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मम्मी के हाथों में। मुझे मम्मी के हाथ में मेहंदी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इनके हाथ गोलू मोलू से है। नीचे करिए मम्मी, रुक के मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। पीछे करो मम्मी। तो बताइएगा मम्मी की मेहंदी कैसी लग रही है। हम निकले हैं तीज की शॉपिंग के लिए। ये देखिए मैम पर्स वर्स लेकर बैठी हुई है। फेस तो दिखाओ। भैया ये डलिया कैसे दे रहे हो? ये 120 का है। सिर्फ मुझे डलिया चाहिए। अरे डलिया? हाँ। ये 30 का? 30 रुपये। 30 नहीं भैया, सिर्फ डलिया दे। हाँ भैया, कोई नहीं आवा। ये ले लो भैया पैसे। हमने इतनी सारी चीज़ें परचेज की पीच के लिए। ये नहीं की है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, हमने जो तीज का सेलिब्रेशन किया है जो कि 9 सितंबर को है। और ये जो तीज का व्रत रखा जाता है वो पति देव लोगों के लिए रखा जाता है। जैसा कि हम करवा चौथ में व्रत रखते हैं, दिन भर निर्जला उपवास करते हैं और फिर शाम को चांद देखकर पूजा वगैरह करके फिर पारण करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें दिन भर निर्जला व्रत रखना होता है। मुहूर्त निकलता है उस टाइम पर हमें पूजा करना होता है और पूजा करने के बाद हमें पारण करना होता है। पारण के लिए इसमें अन्न नहीं खाना होता है। कोई कोई तो उस दिन पूरा निर्जला उपवास रखता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुहाग लेना होता है। सुहाग इस तरह से लेते हैं कि जो हम शाम को पूजा में एक दिन पहले वो चढ़ाते हैं, बिछुए और सिंदूर लगाया जाता है, उसी को फिर से मॉर्निंग में पूजा करते हैं। तो उस बिछुए को लेते हैं और वो सिंदूर चढ़ाते हैं, उसे सिंदूर को अपनी मांग में डाल लेते हैं, तो इसी को कहते हैं सुहाग लेना। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसकी शुरुआत होती है हमारी मेहंदी लगने से। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि मम्मी को मेहंदी लग चुकी है। मम्मी को हमने मेहंदी 7 सितंबर को ही लगवा दिया था आफ्टरनून में, और उसके बाद इवनिंग में मैंने और मेरी सिस्टर लॉ नम्रता यानी निम्मो यानी छोटी, हम दोनों ने मिलकर भी शाम के टाइम पैरों में, अपने अपने पैरों में मेहंदी लगवा ली थी 8 सितंबर। और मैं आज के दिन ही शूट कर रही हूँ। मैं और छोटी गए थे शॉपिंग पे, थोड़ा बहुत शॉपिंग करने हम गए थे। आपको थोड़ी सी क्लिप उसकी भी देखने को मिलेगी। दोनों के हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, मम्मी के हाथों में लग चुकी है। तो आज शाम को हम दोनों के हाथ में मेहंदी लगने की बारी है, उसकी भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तीज की पूजा करने की सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग में 4 या 5 बजे के करीब हम उठ जाते हैं, मौन रख के एक बार नहा लेते हैं। उसके बाद फिर सारे घर के जो भी डस्टिंग क्लीनिंग के काम होते हैं वो करने के बाद हम फिर से नहाते हैं। बाद में हम शैम्पू नहीं करते, शैम्पू की जगह तिल की पत्ती आती है, वो यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, और नीम की दातून होती है, नीम की स्टिक होती है, उससे हम ब्रश करते हैं, वो शुभ माना जाता है, और तिल की पत्ती से अपने बालों को वॉश करते हैं। उसके बाद फिर हम जो भी ब्रेकफास्ट बनाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना हुआ, पापा को बाहर जाना हुआ, तो वो सब काम भी करने के बाद फिर हम बैठते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं आपस की, और उसके बाद ये सब करते करते फिर लंच प्रिपेयर करने के बाद फिर थोड़ा हम जब फ्री हो जाते हैं तो अपनी पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ आसानी से।
तो चलिए देखिए कि हमने अपनी तीज के 2021 के इस त्यौहार को कैसे मनाया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि निम्मो जी की मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है, और मेरे यहाँ पिछले 7 सालों से मेहंदी जो लगा रही हैं वो है मिस किरण। हाय किरण। हाय, कैसी हो? बहुत अच्छे। चलिए देखिए, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं। आप हमारी वीडियो में देखेंगे, एक लाइक इनके लिए जरूर कीजिएगा इनकी मेहंदी लगाने की स्टाइल के लिए। चलिए देखते हैं निम्मो जी की मेहंदी कुछ इस तरीके से लग रही है, शुरुआत हो चुकी है। चुक्कू बहुत भाव खा रही है, चुक्कू से बिल्कुल बुक्कू से बिल्कुल बात नहीं कर रही है। जानी मेरी जानी मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, जिसका मेरा प्यार जान तुझे क्यों बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। तो इनके मेहंदी लगने के साथ ही मेरे हाँ इनके पति देव आ गए, और इनके चेहरे की स्माइल देखिए और उधर मम्मी को देखिए। मम्मी जा रही है मंदमा सॉन्ग मम्मी बाय बाय। ये देखिए निम्मो जी की मेहंदी, कमेंट में बताइएगा कि इनकी मेहंदी कैसी लगी है। तो इनकी मेहंदी एक हाथ में लग चुकी है, अब मैं जा रही हूँ अपने एक हाथ में लगवाने, जब तक इनकी सूखेगी तब तक मैं अपने हाथ में लगवाऊंगी। फिर ये लो, नहीं उधर से उधर से देखो, उधर बस डस्टबिन डाले जाओ। तुम खा रहे किरण? ये खा लो। भगवान करे हर जन्म में ऐसी सासू माँ किसी को ना मिले, सिर्फ मुझे मिले। सबको मिले, मुझे चाहिए बस। ये देखिए, ये एक बैठी है मेहंदी लगाने वाली। रात के 12 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं, और अभी तक हम लोगों की मेहंदी प्रोसेस नहीं है। उधर मम्मी की उंगलियां भरी जा रही हैं, और इधर मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है। तीज का दिन और टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है, और हम लोग सब लोग अच्छे से नहा के जो दोपहर में रेडी होते हैं वो हो चुके हैं। हम लोग की मेहंदी भी रच चुकी है, और अब बारी है दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाने की। हेलो गाइस, ये इनकी मेहंदी लग रही है, ये सुबह से परेशान है मेहंदी लगाने के लिए। मैं इनको स्पेशली ऑफिस से आया हूँ। नहीं, लंच पे आया, खाना खाने आया, पेट पूजा करने। अच्छा, कैसे भी खाना आपने बनाया तो है नहीं। आज हम लोगों की छुट्टी। फाइनली मेरे हाथों में, दोनों हाथों में मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। टाइम हो रहे हैं 5:30 इवनिंग के। पूजा करने की जो टाइमिंग है वो 6:31 to 8:51 PM तक है। पूजा की सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, तो तब तक हम अपना मेकओवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने बालों को क्रिम कर लिया है। बहुत बहुत ज़्यादा सिल्की हैं और स्ट्रेट हैं, तो इस वजह से कोई हेयर स्टाइल बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है मुझे, हल्के से ही, ताकि थोड़े से ये डेंस हो जाए और थोड़ी बहुत हेयर स्टाइल इसमें क्रिएट हो जाए। चलिए मिलते हैं मेकअप के बाद।
मम्मी फाइनली तैयार हो गई हैं, कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा।